हरियाणा में, में सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर करने के लिए बवाल मच गया है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसान नेता राकेश टिकेत पहुंच गए हैं इससे पहले मंगलवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज गिरफ्तारी के विरोध में रोहतक में पुलिस किसानों में झड़प हुई वहीं करनाल में हाईवे जाम करने जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया शाम को उन्हें छोड़ दिया गया दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम करने पर गुरनाम चडूनी और दूसरे किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था किसानों ने रिहाई के लिए सरकार और प्रशासन को 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था इस बीच करनाल पहुंचे राकेश टिकेत ने कहा ऐसा पहली बार हुआ है कि किसानों पर एमएसपी को लेकर लाठी चार्ज हुआ हो अब देश में दिल्ली से बड़ा आंदोलन एम पर होगा कुरुक्षेत्र में आगामी रणनीति बनाकर इसका ऐलान किया जाएगा वही किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन शुरू कर दिया हिसार सिरसा रोहतक करनाल अम्बाल और कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में किसान टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए किसानों किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हिरासत में लिए की रिहाई नहीं हुई तो पूरे हरियाणा की सड़कें जाम कर देंगे किसान कॉल आते ही सारे टोल प्लाजा जाम कर देंगे वही रोहतक में किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर नौ जाम किया पुलिस ने इसे जबरन खुलवाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई जिसके बाद पुलिस ने अखिल भारतीय रोहतक के जिला अध्यक्ष अंकुश को हिरासत में ले लिया है करनाल में भी किसान दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे एन एच पर बस्तरा टोल के पास जाम करने पहुंच गए यहां पुलिस ने पहले किसानों को समझाने की कोशिश की वे नहीं माने तो उन्हें हिरासत में लिया गया शाम को पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया मंगलवार को जम्मू दिल्ली हाईवे जाम करने पर पुलिस ने किसानों को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया जिसके बाद बाकी अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी समेत 150 किसानों को हिरासत में ले लिया वहीं करीब 700 किसानों पर केस दर्ज किया गया इसी